The best way to hide your Royal Enfield keys, if you had have your money plant at your home, just spread it a bit and below your TV, because no one comes in here. It's the glass, and yay, you get that. Let's go नीचे चलते हैं. Hey guys, आज हम देखते हैं कि Royal Enfield Bullet Classic 350 को, sorry Standard 350 को हम लोग चालू कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो सबसे पहले ये BS6 एडिशन है, तो इसमें स्टैंडर्ड में अभी भी ये सेल्फ स्टार्ट का वेरिएंट नहीं आया. डिस्प्ले आई एम डिसअपॉइंटेड ऑफ. एंड आपको सब किक पॉप ऑफ करना है, थोड़ा सा इसको फ्री किक में चलाना है क्लच दबा के. और अब एक जो कि दिन का 50वां बार प्रैक्टिस है मेरे. आई एम गेटिंग अ बिट बेटर नाउ, सो आगे कभी चला के भी देखेंगे इसको. एंड वन मोर थिंग आई वुड प्रेफर इज आपको मेन स्टैंड पे लगा के किक मारनी चाहिए ज़्यादातर. और ट्रैफिक में अवॉइड करो कि बाइक बंद ना हो, क्योंकि ट्रैफिक में यू कांट पुट इट इन द मेन स्टैंड, क्योंकि हर किसी से इसका वेट नहीं संभलता है. एक बार देखो मेन स्टैंड पे लगी रखी है, अपन ने पूरे पैर ऊपर कर लिए और फेल फेल फेल. अब चालू करते हैं एक और बार. ओके फेल. वाओ वो क्या हुआ, किक रिवर्स मारी. ओ भाई आपको पहले वो फ्री किक्स मारनी है. अरे बाप रे, हो गई फ्री किक्स. कहाँ रखो उसको, यहाँ रख देते हैं. जस्ट एडजस्टेड पिट. ठीक है 5 4 3 2. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो मर्जी करना है करो. वन मोर थिंग कि BS6 है तो बार बार चालू करके बंद मत करना, वरना इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जाएगा. मेरे को तो ये बाइक बहुत पसंद आई भाई. हमारे पास पहले क्लासिक 350 भी थी, ऐसी नहीं थी, वो सिल्वर कलर में थी है ना. उसको मैं हमेशा सेल्फ से स्टार्ट करता था, उसमें मज़ा नहीं आता था.